दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्पेस में सबसे पहले कौन से जानवर को भेजा गया था? अगर आप सोच रहे हैं कि एक कुत्ते को स्पेस में सबसे पहले भेजा गया था, तो मैं आपको बता दूं कि आप गलत सोच रहे हैं। और क्या आपको पता है कि आपको पूरे दिन नेटफ्लिक्स देखने के भी रुपए मिल सकते हैं? ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आज की इस वीडियो में। फैक्ट नंबर 1। आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी आंखें हमेशा आपकी नोज को देखती रहती हैं, लेकिन आपका ब्रेन इसे इग्नोर करता रहता है। ब्रेन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ब्रेन इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करने के लिए सेंसरी स्टिमुलाय को इग्नोर कर देता है। ब्रेन ऐसा 3 रीजन से करता है। नंबर 1, पेरिफेरल व्यू। क्योंकि नाक हमारे पेरिफेरल व्यू में है, इसलिए हमारा ब्रेन इस पर ध्यान नहीं देता। नंबर 2, रिपीटेड स्टिमुलाय। जब हमारे नर्व्स को बार बार एक ही तरह का स्टिमुलाय भेजा जाता है, तो यह उस पर फोकस नहीं करता और उसे इग्नोर करता रहता है, जब तक कि हम उस पर कॉन्शियसली फोकस ना करें। सिमिलरली हमारी नाक के केस में भी यही होता है। हमारी नाक हमारे नर्व्स के लिए एक रिपीटेड स्टिमुलाय है, जिस वजह से हमारा ब्रेन इसे इग्नोर करता रहता है। नंबर 3, नॉट यूजफुल इंफॉर्मेशन। ब्रेन का नाक को इग्नोर करने के पीछे एक कारण ये भी है, क्योंकि नाक ब्रेन के लिए एक यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं है। फैक्ट नंबर 2, आपने कभी ना कभी जॉब इंटरव्यू के लिए एक रिज्यूमे तैयार जरूर किया होगा। तो क्या आपने कभी सोचा है कि पहली बार रिज्यूमे किसने लिखा था? तो इसका आंसर है लियोनार्डो दा विंची। दरअसल हुआ ये था कि 1482 में दा विंची को मिलान के ड्यूक और लुडोविको फोर्जा के अंडर काम करना था, जिसके लिए उन्होंने ड्यूक को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपने सारे अचीवमेंट्स और अपनी सारी खूबियां लिखी थी, जिसकी वजह से ये एक लेटर कम और रिज्यूमे का फॉर्मेट ज्यादा था। हालांकि जो मॉडर्न रिज्यूमे है वो 1930s के बाद कॉमन हुआ, लेकिन इसका इन्वेंशन 1482 में हो चुका था। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, कैसा हो अगर आपको पूरे दिन मूवीज, टीवी शोज और वेब सीरीज देखने के लिए पैसे दिए जाएं? तो फुल टाइम नेटफ्लिक्स व्यूअर यानी कि टैगर ऑफिशियली एक जॉब है जो एग्जिस्ट करती है। इसमें आपको जो भी वेब सीरीज, टीवी शोज और मूवीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रहे हैं उनको देखना है और उनको एनालाइज करके उनको फिर डिफरेंट कैटेगरीज में टैग करना होता है। इसके लिए आपके पास टेलीविजन इंडस्ट्री की अच्छी नॉलेज और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक नेटफ्लिक्स टैगर की एवरेज सैलरी 30K to 50K पर मंथ होती है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि मछलियां कभी भी ब्लिंक नहीं करती? क्योंकि उनके आईलिड्स नहीं होते। इनकी आंखों में टियर ग्लैंड्स भी नहीं होते। टियर ग्लैंड्स, ये वही ऑर्गन है जिसकी वजह से इंसानों की आंखों में नमी रहती है और ये उन्हें इन्फेक्शन से बचाता है। इसी ऑर्गन की वजह से हमारी आंखों में आंसू भी आते हैं, लेकिन मछलियों में ये ग्लैंड्स नहीं होते, जो कि उनके लिए इतना नेसेसरी भी नहीं है, क्योंकि वाटर इनकी आंखों को नम रखता है। इनकी आंखों में एक ट्रांसपेरेंट आई प्रोटेक्टर होता है, जिसे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन या एडिपोस आईलिड कहा जाता है, जो कि मछलियों की आंखों को डस्ट और पानी जाने से बचाता है। और भी ऐसे कई एनिमल्स हैं जो ब्लिंक नहीं करते, जैसे कि स्नेक्स, गेकोस, स्लिंग्स और कुछ लिजार्ड्स। फैक्ट नंबर 5, फ्रूट फ्लाइज यानी कि फल मक्खियां पहले ऐसे जानवर हैं जिन्हें स्पेस में सबसे पहले भेजा गया। जी हाँ, 20 फरवरी 1947 को यूएस के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, जिसमें V2 रॉकेट द्वारा कुछ फ्रूट फ्लाइज को स्पेस में भेजा गया। इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस था कि हाई एल्टीट्यूड्स पर रेडिएशन का क्या इफेक्ट होता है। फ्रूट फ्लाइज 190 सेकंड में 109 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंची, उसके बाद पैराशूट वापस अर्थ की ओर आ गया, जिसमें बायोलॉजिस्ट ने फ्लाइज को जिंदा पाया और फिर उनको एग्जामिन किया। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।